आज की हमारी रेसिपी अचवानी की रेसिपी है, जिसे पक्की अचवानी भी कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं अचवानी की रेसिपी, जिसे व्रत के बाद खाने से शारीरिक कमजोरी दूर हो जाती है और इसमें अनेक प्रकार के पोषक तत्व हैं। ज़्यादातर इसे महिलाओं के डिलीवरी के बाद इसे बनाकर दिया जाता है, जिससे उन्हें शारीरिक कमजोरी महसूस न हो और वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। ये रेसिपी हम बनाएंगे परसों यानी कि जितिया के व्रत के बाद। इसे बनाकर हम मम्मी को देते हैं खाने के लिए, लेकिन आपके साथ हम आज ही बनाकर शेयर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आप इसे बनाकर व्रत के बाद खाएंगे तो आपको बहुत ही एनर्जी मिलेगी। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए सूखे मेवे, जिसमें हमने लिया है काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट, छुहाड़ा और पोस्ता का दाना, जिसे हमने रात भर भिगो कर रख दिया था। इसे 6 से 7 घंटे भिगो कर रख दें, जिससे अच्छी प्रकार से फूल जाए। साथ ही हमने लिया है 2 चम्मच अजवाइन, 2 चम्मच मंगरेल, मंगरेल को कलौजी भी कहते हैं, और 15 से 20 काली मिर्च हमने लिया है, जिससे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। साथ में घी है, चीनी है और गेहूं का आटा है। हमें इसे गेहूं के आटे के साथ बना रहे हैं। आप चाहे तो गेहूं के आटे के बिना भी बना सकते हैं। चलिए पहले हम सभी मेवे को ग्राइंड कर लेते हैं। हमें इसे बहुत ही बारीक पीस लेना है। मेवे के साथ ही इसमें काली मिर्च, अजवाइन और मंगरेल भी डाल दें। साथ ही में ही इसमें 2 चम्मच हमने सोंठ पाउडर डाल दिया है। ये अच्छी प्रकार से मिल जाएंगे। थोड़ा सा पानी डालकर हमें इसे ग्राइंड करना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें इसका पेस्ट तैयार करना है। इसमें बड़ा टुकड़ा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो स्वाद खराब हो जाता है। आइए चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने मोटी तली का कढ़ाही लिया है और गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच घी और आटे को डालकर ब्राउन होने तक हम भूनेंगे। इसे लगातार चलाते हुए भूनें, जिससे कि ये जले नहीं। आटे के साथ ही इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर हमने डाल दिया है, ये भी साथ में भून लेंगे। हल्दी डालने से इसका कलर बहुत ही बढ़िया आता है। देखिए लगभग ये भून चुका है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और आटे को कढ़ाही से हम निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसी कढ़ाही में हमें 2 चम्मच घी और ऐड करना है। आप घी की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं, हमने तो 2 ही चम्मच घी प्रयोग किया है। घी गर्म हो गया था, उसके बाद हमने इसमें पीसे हुए सभी मेवे को डाल दिए हैं और इसे पकने देते हैं। साथ ही अभी जो आटा है ना, इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर इसका घोल तैयार करेंगे। घोल आप इस प्रकार से बनाएं कि इसमें कोई भी गुठली न रहे, और इसे आप किसी चम्मच की सहायता से ही मिलाएं, क्योंकि आटा बहुत गर्म है। हाथ से बनाएंगे तो हाथ जलने का डर रहता है। हमें आटे का घोल इस प्रकार से तैयार कर लेना है, जिसमें एक भी गुठली न रहे। और जब ये सभी मेवा पकना शुरू हो जाए तो इसमें आटे का घोल आप डाल दें और 1 गिलास गर्म दूध डालकर आप इसे अच्छी प्रकार से मिला लें और इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। देखिए मिला लिए हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे चीनी और इसे भी मिला लेते हैं। चीनी की मात्रा आप अपने स्वाद अनुसार ही ऐड करें। चीनी की जगह मिश्री का भी प्रयोग हो सकता है। इसे देखिए हम लगातार चलाते हुए पका रहे हैं। बुलबुले उठने शुरू हो गए हैं। 10 मिनट में ही ये बनकर तैयार हो जाता है। ये लगभग बनकर तैयार हो गया है। इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। ऊपर से 1 चम्मच घी डालकर इसे सर्व करेंगे, जिससे कि इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है और शरीर की सारी कमजोरियां दूर हो जाती हैं। फ्रेंड्स, आपको ये पक्की अचवानी की रेसिपी कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव।